तो दोस्तों मेजर लीग क्रिकेट का अगला मुकाबला मैच नंबर 9 खेला जाएगा एमआई न्यूयॉर्क और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच आज रात 12:30 बजे या कहें 13 जुलाई को, चूंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। एमआई न्यूयॉर्क और टेक्सास सुपर किंग्स दोनों भिड़ेंगी चर्च स्ट्रीट पार्क मॉरिसविले के मैदान में। तो चलिए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां इस वीडियो में आप तक हम साझा करते हैं, जिससे एक बेहतर प्रिडिक्शन की ओर हम सभी बढ़ पाएंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे वेन्यू के साथ। मॉरिसविले में 4 मैचेस इस एमएलसी 2024 में खेले गए हैं। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, बारिश की वजह से धुल गया था। एक मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया है और 2 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो वो है 148 का। लोएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो वो बनाया है सिएटल ऑर्किस ने 108 रन और हाईएस्ट स्कोर रहा है टेक्सास सुपर किंग्स का 203 रन 5 विकेट पर। अब यहां पर दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 148 एवरेज स्कोर था। पहले मैच में सिएटल ऑर्किस ने 108 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क ने 154, टेक्सास सुपर किंग्स ने इस ट्रैक पर 203 का हाईएस्ट स्कोर बनाया तीसरे मैच में, और चौथे मुकाबले में यहां पर सैन फ्रांसिस्को ने 127 रन ठोके 10 विकेट के नुकसान पर। तो ये था अभी तक के 4 मुकाबलों का स्कोरिंग पैटर्न। बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है आइए उस पर गौर करते हैं। टोटल 42 विकेट 4 मैचेस में चटकाए गए हैं, 30 विकेट पेसर्स ने और 12 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा मॉरिसविले चर्च स्ट्रीट पार्क के मैदान का, जहां कैप्टन्स जो हैं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना डेफिनेटली पसंद करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। एमएलसी 2023 यानी कि पिछले सीजन में 2 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए। एमआई न्यूयॉर्क एक मैच जीती और एक मुकाबला टेक्सास सुपर किंग्स के नाम रहा। अब अगर करंट सीजन की बात करी जाए तो सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों टेक्सास सुपर किंग्स 3 में से 1 मुकाबला जीती है, 1 हारी भी है और 1 मैच बारिश की वजह से धुल गया था। तो पॉइंट्स इनके 3, नेट रन रेट है +1.242 का। वही अगर बात करी जाए एमआई न्यूयॉर्क की तो 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 1 जीता है 1 हारे हैं, 2 पॉइंट्स हैं इनके, नेट रन रेट है +1.472 का। यानी कि छोटे से मार्जिन से नेट रन रेट के लिहाज से एमआई न्यूयॉर्क थोड़ा सा बेहतर जरूर नजर आती है। हाल फिलहाल बढ़ते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की ओर और देखते हैं कि कौन से हैं ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर हम सभी को नजरें रखनी चाहिए। एमआई न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो टीम के पास रूबेन क्लिंटन, मोनांग पटेल, निकोलस पूरन, कारन पोलार्ड, टिम डेविड, राशिद खान, एहसान आदिल, ट्रेंट बोल्ट और एनरिक नॉर्किया जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब इस लाइनअप पे गौर करते हुए एक चीज तो साफ नजर आती है, बॉलिंग अटैक टीम का बेहतर है। दे've got राशिद खान, सिएटल के खिलाफ 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे, ट्रेंट बोल्ट भी सिएटल के खिलाफ 3 विकेट निकालने में सक्सेसफुल रहे थे, कारन पोलार्ड ने 2 विकेट निकाले थे। तो ये तो हुए 3 बॉलर्स मेन जो हमारे अभी तक इस लाइनअप में नजर आते हैं, जिसमें एनरिक नॉर्किया भी शामिल है। तो बॉलिंग के लिहाज से टीम काफी सॉर्टेड दिखाई देती है। बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, टिम डेविड 3 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी जो कि रन स्कोर करने की काबिलियत रखते हैं, जिसमें निकोलस पूरन ने खास तौर से 2 मैचेस में 106 रन बना दिए हैं 158 के स्ट्राइक रेट से। इंपॉर्टेंट पारी की अगर हम बात करें तो राशिद खान वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ 31 रनों की पारी इन्होंने खेली थी 206 के स्ट्राइक रेट से। तो अभी तक यही है गिने चुने खिलाड़ी जिन पर आप सभी को नजरें रखनी चाहिए फ्रॉम एमआई न्यूयॉर्क। अब बढ़ते हैं टेक्सास सुपर किंग्स की ओर। दोस्तों जितने लूप होल्स एमआई के बैटिंग लाइनअप में है उतनी ही डेंजरस बैटिंग लाइनअप टेक्सास सुपर किंग्स की है। फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें डिवोन कॉनवे, फाफ डुप्लेसी 2 धमाकेदार बल्लेबाज, फॉलोड बाय एरन हार्डी एंड देन मिचेल सेंटनर जो कि बल्लेबाजी की काबिलियत रखते हैं, जिसमें कि अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें डिवोन कॉनवे ने 3 मैचेस में 124 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 147 का, और फाफ डुप्लेसी ने 148 रन बना लिए हैं 3 मैचेस में 166 के स्ट्राइक रेट से। तो ये तो हुए 2 मेन बैटर। परेशानी यहां पर टेक्सास के लिए सामने आएगी अगर एमआई न्यूयॉर्क का बॉलिंग अटैक इस टॉप ऑर्डर की जोड़ी को तोड़ दे तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क ये मुकाबला अपने नाम करती नजर आ सकती है। हालांकि गेंदबाजों की अगर आप बात करें तो सुपर किंग्स के पास जियाउल हक मौजूद हैं जो कि 3 मैचेस में 4 विकेट चटका चुके हैं, मोहम्मद मोहसिन ने सैन फ्रांसिस्को के खिलाफ 4 विकेट लिए थे 3.4 की इकोनॉमी से, और एरन हार्डी ने एलए नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेट निकाले थे 8.7 की इकोनॉमी के साथ। तो बॉलिंग अटैक में जियाउल और मोहसिन इंपॉर्टेंट नजर आते हैं एंड देन बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक एज की अगर आप बात करें तो न्यूयॉर्क एक विनिंग एंड की ओर बढ़ती नजर आ सकती है। और इसी फाइनल कंक्लूजन के साथ दोस्तों इस वीडियो पर मैं लगाता हूं पूर्ण विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले 4th T20 इंटरनेशनल मैच की। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ इसे शेयर जरूर करें और CLG को सब्सक्राइब करना ना भूलें।